नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं ले गया हूं कलेक्ट्रेट परिसर। यहां जो है हमारे साथ हैं विवेक पांडे जी, जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कोरोना के ले के जो है तो एक एक जाफन लेके आए हैं, जो कि इनसे मैं जानूंगा कि किसको देने वाले हैं और क्या पर्पज़ है इनका। तो आइए पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। क्या भैया, आप किसको एक जाफन देने वाले हैं, किस मैटर को लेके यहाँ पे आप पहुँचे? चूँकि आपके कोविड-19 को लेकर है, आपने देखा होगा कि जैसे देश में गतिविधियां चल रही हैं कोरोना वायरस को लेकर। मैंने देखा है कि हाल ही में अभी 2-3 दिन से लॉकडाउन वगैरह लगा, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 52 जिलों में से दमोह भी एक जिला आता है, दमोह में चुनाव हो रहा है, वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं, ना कोई मास्क नहीं, ना किसी प्रकार की व्यवस्था। आप हाल ही में देख लीजिए बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ, रैलियाँ। हमारे सांसद महोदय जी तो लाइव पर है ना, अभी लाइव देखेंगे, उनका लाइव भी चल रहा है। लाखों करोड़ों की जनता आपकी भीड़ एकत्रित करके, गृह मंत्री देश के खुद तो मास्क नहीं लगाए हैं, आप एक तरफ देश की जनता को डेंजर रूम में डाल रहे हैं। कोविड-19 का हम पालन करते हैं, हम मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें, लेकिन आप एक तरफ इधर सुरक्षित करते हैं, दूसरी तरफ खुद ही आप फैला रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ एक देश एक कानून होना चाहिए। मेरी मांग है कोविड-19 का पालन ज़रूर हो, लेकिन देश के ये जनप्रतिनिधि जो हैं ये पहले पालन करें। जिस प्रकार से मजाक धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और जनता को डेंजर रूम में डाल रहे हैं, मैं इसके विरोध में हूँ। और जहाँ रही, ज़्यादातर मैंने देखा है कि गरीब तबके के लोग मारे जा रहे हैं इसमें। आपने देखा होगा कि जो छोटे व्यापारी हैं और गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आप नियम पालन करवाते हैं। आप एक तरफ एक व्यक्ति जाता है तो आप उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं और वसूली होती है शासन की, और दूसरी तरफ देखिए कि यहीं क्षेत्र के विधायक सांसद सभाएँ कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। आप खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं इसके विरोध में हूं। और एक देश एक कानून होना चाहिए, कोविड-19 का सही पालन होना चाहिए, उसके साथ ही आप भी करें, तभी ये जनता भी मानेगी साथ में। इसी के मामले को लेकर मैंने राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय जी के नाम से ज्ञापन बनाया, लेके आया हूँ, और हो सके मैं अभी तो आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ, और उम्मीद तो करता हूँ। आप ये बताइए कि आप ठीक है उनको बोल रहे हैं, आप शिवसेना के अध्यक्ष हैं जी, तो अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपको भी मास्क लगा के पब्लिक के पास जाना चाहिए, इतनी सारी आपकी भीड़ है, आपने नहीं लगाया है? ज़रूर, इसमें क्या है कि देखिए हमारे साथ जितने भी भाई मौजूद हैं, तो आपने देखा होगा करीब 4 महीने से लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुला हुआ था, कोरोना से कितने लोग ग्रसित हुए, कितने लोग मारे गए, ये भी आपको जानकारी है। जहाँ रही मास्क की बात, तो मैं नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों के बीच में, जनता के बीच में जाऊँगा, वो करूँगा, लेकिन मेरे साथ जो भी मौजूद है मेरे शिवसैनिक हैं, और मैं अपनी आत्मरक्षा के साथ सुरक्षित। और सीएम साहब ने तो खुद ही न कहा था, ये पल्लू है ना आपके पास, तो जब जहाँ जनता होगी तो फिर मेरा ये पल्लू भी साथ में होगा। नहीं तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो है तो सीधी जिला में नहीं, बल्कि जितने भी प्रदेश हैं, जैसे दमोह हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ जो है तो चुनाव हो रहे हैं, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें तो, जी इसमें देखिए एक ऐसा है कि कोविड-19 को लेकर जिस प्रकार से सियासत बनाई जा रही, मैंने देखा है कि आप एक तरफ इतनी बड़ी संक्रामक बीमारी को देश की जनता को आवाज़ कर रहे हैं कि भयानक बीमारी है, महामारी है, और एक तरफ हमारे ही देश के जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों या शिवराज सिंह जी हों, आप हाथ मिला रहे हैं, कोई मास्क नहीं, सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं, तो आप खुद ही बीमारियों का संदेश दे रहे हैं, किस प्रकार से आप सेवा करेंगे जनता की? तो देखने को ये मिल रहा है कि आपके सतना में जो है तो अभी ADJ जो थे उनका जो है तो निधन हुआ, एक लकड़ी तक उनको नहीं दी गई जलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो कोरोना आपके बगल में दिख रहा है। सीधी में जो है तो अभी कहा जा रहा है कि कल 19 लोगों का जो है तो रिजल्ट निकला है, जो कि 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं सीधी जिले में, तो एक तरफ आपको कोरोना दिख रहा है, तो ये क्या कहना चाहते हैं आप कि वहाँ का कोई आपके पास सैंपल नहीं आ रहा, कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा, क्या मीडिया नहीं पहुँच पा रही है वहाँ? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको भी सीधे तौर पर दिख रहा है कि हमें कोविड-19 से ज़्यादा हमें मानसिक तौर से हिप्नोटाइज किया जा रहा है। हम ज़्यादातर अपनी मानसिक दबाव की वजह से, मैंने देखा है कि आप भीड़ एकत्रित कर रहे हैं, जो भी ये स्थितियाँ, लकड़ियाँ नहीं पैदा हो रही, ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं एक बीमारियाँ, आप ऐसी खुद संक्रामक बीमारियों को संदेशा दे रहे हैं और खुद ही आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इसका पूरा आरोप प्रशासन और कहीं ना कहीं सत्ता सरकार में बैठी भाजपा सरकार का मानता हूँ। बिल्कुल, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे विवेक भैया बोल रहे हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं वाकई में आपने देखा होगा कि रैली निकाली गई, नेताओं की जो है तो सभी समूह का, ग्रुप का गठन होता है, एक जगह सब बैठते हैं, वहाँ पे आपको कोरोना जरूर देखने को नहीं मिलेगा, ना तो कोई मीडिया पहुँच पा रही है। हम कह सकते हैं कि चाहे दमोह हो या बंगाल हो या कहीं भी हो, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं पाई जा रही, ना तो ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि वहाँ लोग मर रहे हैं, बल्कि यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि वहाँ एक भी शख्स को कोरोना है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में अगर खतरा दिखाई दे रहा है आपको, तो सभी को एक रिजर्वेशन करना चाहिए, पूरा ट्रेन बुक करें और सभी को वहीं चलते हैं जहाँ कोरोना नहीं है, कम से कम एक सही तरीके
से सांस तो ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है एक तरीके से। तो ये जो एक ज्ञापन है आप किसको देंगे? फिलहाल अभी तो हमारे सामने अपर कलेक्टर महोदय जी आ चुके हैं और देखते हैं अगर वो रहते हैं उनको दे देंगे या तो फिर डिप्टी कलेक्टर साहब को देंगे ज्ञापन। बिल्कुल, अभी तक जो है आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये जो है ज्ञापन किसको सौंपा जा रहा है। खासकर जो है मैंने आपको बताया कि सीधी में भी जो है पूरी तरीके से जो है तो लॉकडाउन था 2 दिनों का, जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिला कि संपूर्ण लॉकडाउन था। कोई भी पब्लिक जो है किसी चौराहे से अगर निकल रही थी तो मास्क लगाना जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और पब्लिक ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इन सब चीज़ों का पालन कर रही है। लेकिन ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि 2 दिन में कितनी हानि हो रही है, दुकानें बंद हैं, मजदूर कार्य करने नहीं पहुंच रहा है, वो 2 दिन खाना कैसे खाएगा। एक बड़ी तरीके से देखने को मिल रहा है कि इसमें भी क्या राजनीति छुपी हुई है, आखिर में इसका है क्या। जरूर आपको देखने को एक दिन मिलेगा खुलासा इसका। तो बने रहिए आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ, नमस्कार।